नमस्कार बिजनौर तक, मैं आपका स्वागत है। गैंगस्टर एक्ट के तहत काजीवाला निवासी अबरार व इकराम की अपराध जगत से अर्जित चल व अचल संपत्ति को जिलाधिकारी रमाकांत पांडे के निर्देश पर पुलिस ने संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों अपराधियों की अपराध जगत से अर्जित लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम और समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा के तहत मकान को कुर्क कर लिया गया है। एक सप्ताह के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यवाही से अपराधियों में खौफ पैदा होगा तथा नए लड़के अपराध जगत में आने से घबराएंगे। दो बदमाशों की संपत्ति कुर्क की गई है पुलिस के द्वारा, क्या पूरा मामला है? गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत दो बदमाश जो प्रॉपर्टी से संबंधित थे, अबरार और इकराम, उनकी 19 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया, सीज किया गया, जब्त किया गया। इसी प्रकार से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति अपराधियों की जो अवैध रूप से अर्जित किए थे, उनको सीज किया जा चुका है। ये कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। कई प्रस्ताव लंबित हैं और उसको एक सप्ताह के अंदर अन्य भी कार्रवाई की जाएगी। कैसे अपराधियों में खौफ पैदा होगा जो कार्रवाई आप कर रहे हैं? सब अपराधियों कर रहे हैं नहीं, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्ति का जब्तीकरण है वो नोटोरियस क्रिमिनल है और अपराध के द्वारा अर्जित किए हुए संपत्ति है और उनको चल और अचल दोनों को जब्त किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ पैदा होगा और जो नए लड़के हैं इस अपराध जगत में आने से कतराएंगे।